हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल। इस हेयर स्टाइल को आप किसी भी पार्टी या फंक्शन में कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फोर पार्ट में हेयर्स को डिवाइड कर लिया है। फ्रंट के ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद मैं बैक से एक सेक्शन ले रही हूँ। और सॉरी गाइज, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाई, मेरा वीडियो थोड़ी सी गैप कर गई यहाँ पे। अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है बैक से ब्रिक्स लेकर आपके कर्ल्स हमने यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। गाइज, मैंने यहाँ पे टोंग यूज की है VNG की 22 mm, और ब्रिक्स लेकर मैं यहाँ पे अपने कर्ल्स स्टार्ट कर रही हूँ। एंड गाइज, मैंने यहाँ पे अपने जो प्रिपरेशन है उसको मैंने ऑफ कैमरा पहले ही कम्प्लीट कर लिया था। उसके लिए मैंने इनके हेयर्स में ड्रायर एंड क्रीम पहले ही ऑलरेडी कर लिया, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। कर्ल्स को गाइज हम हाफ हेयर में आउट टर्न और हाफ हेयर में इन टर्न में करेंगे। कर्ल्स करने के लिए गाइज पहले हेयर को टोंग में लेकर नीचे की तरफ लाएंगे टोंग को, फिर ऊपर की तरफ लपेटते हुए ऊपर को हम इसको कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद हम इसको ओपन कर देंगे। सी गाइज, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है हमारे कर्ल्स का। इसी तरह से आपको सारे हेयर्स में कर्ल्स करने हैं। जैसे जैसे आप कर्ल्स करते जाएंगे, इसमें साथ साथ आप स्प्रे भी करते रहें, ताकि आपके जो कर्ल्स हैं वो खुले ना और उनका स्टे भी काफ़ी अच्छा रहे। अगर किसी के सिल्की हेयर है तो आप उसको पहले आप अच्छे से स्प्रे करके कॉम करके देन आप उसको कर्ल्स करके फिर उस पर आप तो एक बार फिर से स्प्रे कीजिए, ताकि आपका जो होल्ड है वो अच्छे से रहे हेयर में। एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए गाइज आप यहाँ पे किसी भी अच्छी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो यूज किया है वो है शॉर्ट्सकोफ का हेयर स्प्रे। इनके ज़्यादा सिल्की हेयर नहीं थे, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला स्प्रे यूज नहीं किया है। अगर किसी के सिल्की हेयर है तो आप उनको स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला शॉर्ट्सकोफ का हेयर स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। उससे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। हमने यहाँ पे अपने सभी कर्ल्स को कम्प्लीट कर लिया है। अब हम अपने क्राउन एरिया पे आ गए हैं अपना पफ क्रिएट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक सेक्शन उठा रही हूँ और उसको अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद अब मैं यहाँ पे इनको हल्का हल्का बैक कॉम करूंगी। बैक कॉम को गाइज हम सिर्फ और सिर्फ अपने रूट एरिया पे करेंगे, हमें ज़्यादा ऊपर तक नहीं करना है। रूट एरिया पे अच्छे से बैक कॉम करने के बाद मैं यहाँ पे पफ क्रिएट करूंगी। बैक कॉम करते हुए गाइज हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉम है वो सेक्शन को क्रॉस ना करे। सिर्फ हमें हल्का हल्का नीचे की तरफ ही बैक कॉम करना है और स्प्रे से फिक्स करना है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट भी ले रही हूँ, उस पर भी हल्का हल्का स्प्रे बैक ऑन करके उसको स्प्रे से फिक्स करूंगी और उसको नेचुरल फॉल में पीछे छोड़ दूंगी। नेचुरल फॉल में छोड़ने के बाद मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है और हल्का हल्का कॉम से मैंने इसको क्लीन कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक सेक्शन और लिया है और उसको भी मैंने अच्छे से बैक ऑन करके स्प्रे से फिक्स करके उसको नीचे नेचुरल फॉल में छोड़ दूंगी और उसको अच्छे से स्प्रेड करके कॉम से क्लीन कर लूंगी अपने पफ को। अब मैं यहाँ सभी अपने हेयर्स को अच्छे से क्लीन और कॉम कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने पफ में जहाँ मुझे लग रहा है कि हल्का सा बैठ गया, वहाँ कॉम की हेल्प से इसको हल्का सा मैं उठा लूंगी और अपने बालों को अच्छे से कॉम करते हुए क्लीन करते हुए हल्का सा इसको पीछे मोड़ते हुए यहाँ पे हम इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप मैंने अच्छे से दोनों तरफ से यहाँ पे लगा दी है। पफ कंप्लीट करने के बाद मैं आगे के हेयर को जो मैंने फ्रंट पे छोड़े थे उनको थोड़ा सा बैक कॉम करते हुए पीछे की तरफ लाऊंगी। स्प्रे से फिक्स करके इनको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके इनको भी पीछे में फिक्स कर दूंगी अपने पफ के साथ ही। इस सेक्शन को कम्प्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे फ्रंट पे। यहाँ हम गाइस छोड़ रहे हैं थोड़े से हेयर को, ये हम छोड़ेंगे अपने फ्रंट एरिया पे जो भी हमें वर्क करना है उसके लिए। अब पीछे से हम एक सेक्शन उठाएंगे, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक को लेफ्ट और एक को राइट में छोड़ते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरा जो भी हमने अभी सेक्शन उठाया है पूरे सेक्शन में इसको क्रिएट करेंगे। दोनों तरफ इस तरह से हम छोड़ते चले जाएंगे। एक सेक्शन हमने छोड़ना है लेफ्ट की तरफ और एक तरफ दोनों को अपोजिट साइड में छोड़ना है इस तरह से। गाइज, ये बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है, आप बहुत ही इसको जल्दी कर लेंगे और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। अब मैं सभी पार्ट्स में झिकझैक करने के बाद इसको हल्का सा बैक कॉम करने के बाद इसको पीछे की तरफ ट्विस्ट कर लूंगी।
ट्विस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ी सी फिनिशिंग करके हल्का सा पुलिंग टेक्निक के साथ इसको थोड़ा सा आगे की तरफ उठा रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन और नीट लगे हमारा सेक्शन। अब इसको मैं पीछे ले जाके अपने जहाँ पे हमने पफ के पिन लगाई है वहीं पे मैं इसको भी टक कर दूंगी। अच्छे से पिनअप करने के बाद अब मैं जो फ्रंट का दूसरा पार्ट है उसको ले रही हूँ और उसको अंदर की तरफ ट्विस्ट करके पीछे की तरफ मोड़ते हुए ले जा रही हूँ और अच्छे से पुलिंग टेक्निक करके इसको हल्का हल्का उभार दे रही हूँ। और फिनिशिंग करने के बाद मैं गाइस मैं इसको भी पीछे अपना पिनअप कर लूंगी। अच्छे से पिनअप करने के बाद अब हम आ जाएंगे फ्रंट पे। फ्रंट के बचे हुए हेयर्स को मैं अच्छे से बैक कॉम कर रही हूँ हल्का हल्का और यहाँ पे मैं हार्ड स्प्रे यूज़ करूँगी इनको यहीं पे लॉक करने के लिए ताकि हमारा जो ये फ्रंट का एरिया है इसके हेयर ये बैठे ना और बहुत अच्छा लुक आए। अच्छे से मैं इसको नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। अब पुलिंग टेक्निक से मैं इसको हल्का हल्का ऊपर की तरफ स्प्रेड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दो फिंगर से इसको होल्ड कर लिया है और हल्का सा इसको ऊपर पुलिंग टेक्निक से मैंने ऊपर की तरफ हल्का सा उठा दिया है जितने हमें हाइट चाहिए इसकी। और स्प्रे से इसको रोक के अच्छे से अब मैं यहाँ पे अपने सारे जो भी हमारे बेबी हेयर्स थे उनको नीट एंड क्लीन करके हल्का सा स्प्रेडिंग करके अब मैं इसको नीचे की तरफ हल्का सा ट्विस्ट कर रही हूँ और इसको मैं आईब्रो के आर्च तक लेकर आऊँगी ताकि हमारा जो ये फ्रंट आप देख रहे हैं इनका फॉरहेड बहुत ही ब्रॉड है और वो कवर हो जाए। उसके लिए इसको आगे की तरफ स्प्रेड करते हुए मैं पीछे कान के पास ले जाके जहाँ पे हमने अपना पफ के पास है सारे हेयर टक किए थे वहीं पे इसको भी मैं पिनअप कर लूँगी। देन मैं पीछे बचे हुए हेयर पे जो हमारे पफ वाले हेयर थे उसमें एक सिंपल ब्रेड बना रही हूँ और ब्रेड बनाने के बाद मैं इसको हल्का हल्का पुलिंग टेक्निक से हल्का हल्का स्प्रेड कर लूँगी। अपनी ब्रेड के सभी हेयर्स को मैं हल्का हल्का स्प्रेड करने के बाद अब इसको हल्का हल्का नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आऊंगी। रोल रोल करते हुए मैं इसको बिल्कुल पिन के पास अटैच कर दूंगी और ये हमारा छोटा सा रोज बन जाएगा। गाइज आप मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए ये रोज आपको कैसा लगा। अब मैं पीछे बचे हुए बाकी हेयर्स को भी कर्ल्स कर लूंगी। सो गाइज ये है हमारा कम्प्लीट लुक। ये लुक आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।